हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप लोग अपने मोबाइल में वॉल्यूम बटन और पावर बटन को क्लिक करते हैं तो यहां पे आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट हो जाता है या तो फिर फोटो क्लिक हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहां पे कैसे ठीक करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन करिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नीचे में सिस्टम का ऑप्शन आता है तो सिस्टम वाले ऑप्शन में क्लिक करिए और यहाँ से आप लोगों को गेस्चर का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। गेस्चर वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट गेस्चर दिखेगा तो यहाँ पे क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है डिसेबल पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन का। तो अगर आप लोग यहाँ पे इसको बंद करना चाहते हैं, अगर आपके मोबाइल में आप लोग पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को क्लिक करते हैं तो स्क्रीनशॉट हो जाता है, और अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। इस तरीके से इनेबल करेंगे तो आपके फ़ोन में अब आप लोग यहाँ पे स्क्रीन मतलब वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को क्लिक करेंगे तो बिल्कुल भी कोई भी स्क्रीन शॉट नहीं होगा। और अगर आप लोग इसको चालू करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। आपको यही बात का ध्यान रखना है, अगर आपको इस तरीके से बटन दबाने पर स्क्रीन शॉट होए ऐसा करना चाहते हैं तो आपको इसको बंद करना पड़ेगा, इस तरीके से रखना पड़ेगा। बट अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो इसको इनेबल करना पड़ेगा दोस्तों। ये आप लोग अच्छे से थोड़ा देख के कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।